हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। फिगर शोज थ्री ब्लॉक्स, एबीसी में बस तीन ब्लॉक है, कनेक्टेड बाय केबल एंड सिस्टम ऑफ पुलिस। हमने इसको केबल और पुलिस के सिस्टम से कनेक्ट किया। अब ब्लॉक ए जो है, सॉरी ब्लॉक बी जो है, उसको हम डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं। ये जो आपका ब्लॉक बी है, इसको हम डाउनवर्ड पुल कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से? बी इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड से। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। अब एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टी इज इक्वल टू जीरो है मेरे पास, तो उसने बोला है ब्लॉक ए स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यू जीरो है और मैं ये क्या है, नीचे मूव करना शुरू कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब जी कुछ एक्सेलरेशन होगा इसका, कोई एक एक्सेलरेशन होगा जो हमें अभी नहीं पता। इट इज गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए आफ्टर ट्रैवलिंग, अब उसने कंडीशन दी है फॉर ए, जब वो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर की बात हो रही है सारी, सॉरी ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड। अब फाइंड द चेंज, अब वो हमसे किस में पूछ रहा है, चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सी, मुझे इसकी सारी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो एक चीज तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए जितनी वेलोसिटी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, जो इस बी की वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की होगी, और सी के लिए वेलोसिटी यहाँ होगी। दैट इज इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको बी वन और इसको बी टू ऐसे नाम दे देते हैं और इसको सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए की बात कर लेते हैं, ए में क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो ब्लॉक ए एस दे रखा है, बी दे रखा है, यू हमें दे दिया जीरो सेंटीमीटर, जीरो सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक, 30 × 30 इज इक्वल टू 2 × 20 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, मैं इसको ऐसे नाम दे दूं, तो ये हो गया 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करा, 50 45/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, और इसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 22.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, वी इज इक्वल टू 18 लिख सकती हूँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। ठीक है, इनटू टी, ये हो गया आपकी वेलोसिटी ऑफ ए। अब जो वेलोसिटी से ये आ रहा होगा प्लस ये इज इक्वल टू, इसकी कुछ वेलोसिटी हमें मिलनी चाहिए। ठीक, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी वन प्लस वेलोसिटी ऑफ बी टू पॉइंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी होना चाहिए पूरे एक सिस्टम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रही है, इसका मतलब ये पूरी स्ट्रिंग क्या हो रही होगी, ऊपर जा रही होगी, तो जितनी वेलोसिटी नीचे आ रही होगी उतनी वेलोसिटी ऊपर जाने की होनी चाहिए। v of a की वैल्यू आपने निकाली 22.5 into t। ठीक है, b b1 की वेलोसिटी, जो b पॉइंट की वेलोसिटी होगी वही b1 b2 की होगी, दैट इज +7.5 is equal to vc। तो वेलोसिटी ऑफ c की कितनी हो जाएगी आपके पास, 15 +22.5 into t। यहां तक हो गया, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी, इसको हम रख लेते हैं। अब सबसे पहले ना हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा। ए सी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्सेलरेशन को डी वी सी बाई डी टी, क्योंकि कॉन्स्टेंट ही चल रही है सारी काम, तो ए सी कितना हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है, ये जीरो, टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करा तो एक्सेलरेशन आ गया 22.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हमारा निकल गया। अब जितना टाइम ये स्ट्रिंग ले रही होगी नीचे आने के लिए पूरी की पूरी, ठीक है, उतना ही टाइम में पूरे सिस्टम को, इसको भी ऊपर जाना है और इसको भी बैलेंस करना है, तो टाइम निकालना है। अब देखो, टाइम के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ए पार्टिकल के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी हमें इसकी 30, 30 इज इक्वल टू जीरो प्लस 22.5 इंटू टी, तो टी कितना आ गया आपका 30/22.5 सेकेंड, इतनी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास VC की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस 22.5 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, 30/22.5 इससे ये कैंसिल, 30 + 15 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, VC आ गया, उसने पूछ वेलोसिटी निकल गई, अब पोजीशन चेंज और निकालना है, तो पोजीशन चेंज के लिए हमें यू भी चाहिएगी कि उसकी इनिशियल कितनी होगी। ठीक है, फॉर इनिशियल स्पीड टाइम कितना होना चाहिए, जीरो, इसमें टाइम जीरो रख दूं तो इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है t इज इक्वल टू जीरो पे, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गई, चेंज इन पोजीशन निकालना है, अब हमें s और निकालना है,
तो इसके लिए हम यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं सारी सी के लिए, तो ये हो गया आपका 45 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 22.5 इंटू एस ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, 45 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.5 इज इक्वल टू एस सी, तो ये हो गया आपका 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.5 इज इक्वल टू एस सी। तो एस सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 47। ठीक है, तो हमने जो जो क्वेश्चन में बोला था वो सारी चीजें निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल लिया 22.5, वेलोसिटी हो गई आपकी फाइनल 45, इनिशियल 15, और अगर वो उसका चेंज पूछेगा तो कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, और चेंज इन पोजीशन, कितना पोजीशन चेंज कर ली उसने अपनी 40 सेंटीमीटर तक इनिशियल से। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू।